द स्पेक्टेयर के एक स्तंभकार और इंग्लैंड में धनी रूसिया के जीवन के बारे में प्रसिद्ध पुस्तक लोंडग्रत के लेखक मार्क हेलिंग्रोथर्स ने हाल ही में एक लेख लिखा है, जहां उन्होंने वकीलों और विपक्षीय कार्यकर्ताओं के बीच बढ़ती चिंताओं पर प्रकाश डाला है। रूसी व्यापारियों के खिलाफ प्रतिबंध व पश्चिम के कई पर्यवेक्षक में से एक है जो सभी रूसियों को उनके देश की विदेश नीतियों के लिए जिम्मेदार मानने पर सवाल उठा रहा है। वह उद्यमानी उल्लेख टीकाओं का उदाहरण देते हुए जिन्होंने अपनी रूसी संपत्ति बेची, जिसमें डिजिटल ऋणदाता टीको बैंक के साथ उनके स्वामित्व वाले होटल भी शामिल है। उन्होंने यूक्रेन में युद्ध की सार्वजनिक रूप से निंदा की और अपने रूसी नागरिकता त्यागने के बाद अब इटली में रहते हैं। हालांकि यह यूनाइटेड किंगडम के उसके खिलाफ प्रतिबंध को हटाने के लिए मानने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसलिए महीने की शुरुआत में ब्लूमबर्ग न्यूज द्वारा उद्धृत टिकोन ने ब्रिटेन सरकार को लिखा, मेरे प्रतिबंधों को उठाना उचित होगा और यह संकेत देगा कि पश्चिम प्रतिबंध सभी रूसियों के खिलाफ निर्देशित नहीं है। ब्रिटिश मीडिया में आलोचनात्मक टिप्पणियों के लिए अब चलते हैं दूसरी खबर पे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बुधवार को शंघाई सहयोग संगठन SUNF की एक बैठक में कहा कि समूहों को सदस्यों के क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना चाहिए और पड़ोसी क्षेत्रों में एक तरफ सैन्य श्रेष्ठता की मांग नहीं करनी चाहिए। वास्तविक नियंत्रण LLC और पराधीन में कही और उन्होंने चीन का नाम लिया बिना कहा। चार्टर सदस्य देश से संप्रभुता राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता और राज्य की सीमाओं की अनुल्लंघन चाहे बल का प्रयोग न करें और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इसका उपयोग की धमकी के लिए पारस्परिक सम्मान और एक तरफ सैन्य श्रेष्ठता की मांग नहीं करने का आह्वान करता है। निकटवर्ती क्षेत्रों में बैठक में रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव निकोलो पेतुसेव, राजस्थान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के वरिष्ठ अधिकारी और SCCO के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संचारण RTF के प्रतिनिधि शामिल हुए। AT की रिपोर्ट मुताबिक चीन और पाकिस्तान ने वर्चुअल हॉल पर पंटिंग में हिस्सा लिया। बैठक में अफगानिस्तान की स्थिति पर भी चर्चा हुई। अब आते हैं आज की आखिरी खबर पे। नासा अजीत डोभाल और उनके रूसी समकक्ष निकोल पेत्रोव्स ने बुधवार को रक्षा, ऊर्जा, आतंकवाद निरोध सहित सामरिक साझेदारी में गति बनाए रखने के अलावा राष्ट्रीय समुदाय में व्यापार और यूक्रेन पाकिस्तान रक्षा दूरी के बीच अफगानिस्तान पाक क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की। डोभाल और पेत्रोव ने रणनीतिक साझेदारी के महत्व को दर्शाते हुए प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक के बाद एक एक बैठक की ईंटें ने सीखा। बैठक पिछले अगस्त के बाद से उनकी तीसरी यूक्रेन युद्ध के बीच रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करने के लिए महत्वपूर्ण थी। सूत्रों ने संकेत दिया कि भारत को सिस्टम और स्पेस पार्ट्स की आपूर्ति में देरी की खबरों के बीच रक्षा साझेदारी का मुद्दा बातचीत में उठा। सूत्रों ने दावा किया कि उत्पादन संबंधी देरी के बावजूद सभी अनुबंधों को पूरा किया जा रहा है। समझा जाता है कि वर्तमान में अफगानिस्तान पाकिस्तान क्षेत्र की स्थिति और यूक्रेन पाकिस्तान रक्षा अस्त पर भी चर्चा हुई। सूत्रों ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के क्षेत्र में रूस एक महत्वपूर्ण और विश्वसनीय भागीदार है।